हरियाणा की लड़कियां कामकाजी होती हैं, मेहनत करती हैं, और दिल्ली की आलसी होती हैं। कोरोना खत्म हो सके है, पर इन छोरा की ये बात खत्म ना हो यार, सेटिंग करा दे। के करना चाहो आप आगे? आगे अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, पर बहुत जल्दी इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ और मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। बढ़ना क्या चाहो जिंदगी में, कुछ तो सोचा होगा ना? बस ऐसा इंसान जिसको सब प्यार करें, जिसके दुश्मन ना हो। हालांकि ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर मेरी कोशिश यही है कि भाई अगर मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो मेरे से प्यार करें, दुश्मनी कम करें। देखो इतनी प्यारी लड़की है, मतलब स्माइल करे जाओ तो दुश्मन कड़े तो पैदा होंगे। नहीं ऐसा किसी को ये स्माइल भी मिल जाते हैं, बहुत मिलते हैं ऐसे। इस हंसी मजाक की वीडियो में भी बनाती हूँ तो उसमें भी लोग बोल देते हैं कुछ भी बोल दे तू तो यार। अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, चलो सपोज करो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, जो बोल भी देती हूँ मैं, कई बार लोग हंस तो रहे हैं ना, लोगों के मुँह पे स्माइल तो आ रही है ना, चाहे वो कोई भी बात हो। और आज के टाइम में बहुत मुश्किल, मतलब सारे लोग फोन में बिजी यार, नो सीरियस रहेंगे, स्माइल बहुत। हाँ इतनी टेंशन में रहे, अगर पूरे दिन में उनने मेरी वीडियो देख के एक स्माइल आ जाए फेस पे, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। सही कहो जी। अच्छा तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसका आप, मतलब नफरत की बात आई थी ना, जो आपने कति अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई है? ऐसा एक मतलब कुछ लोग, हाँ ऐसा वाक्य हुआ था। हाँ। एक जैसे ये अकाउंट मैनेज करते हैं ना, हाँ। एक ऐसे ही बंदा था, उसने ये बोला कि आपको हम डबिंग आर्टिस्ट बना देंगे। अच्छा। पर उसका सिर्फ सोल मोटिव ये था कि वो मेरा अकाउंट मैनेज करे, मेरे अकाउंट से कमीशन खाए। अच्छा। और उसने धोखे में रखा, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि, और अभी जैसे सब बोल देते हैं ना कि चाहे कितने शाणे बन लो फिर भी कोई शाणे ना शाणा फेर जाए, वो वाला काम है। तो सही, उसने पागल बना दिया। उसका मतलब यही था कि बस अकाउंट मैनेज करना है, इन लोगों को मिल जाते हैं पैसे, जैसे अकाउंट मैनेज करते हैं कोई प्रमोशन आता है 20% 30% ये लोग ले लेते हैं पैसे। तो और जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आज तक का, मतलब सबसे बेस्ट जो आपने, यूँ लगता हो कि भाई उस दिन तक अच्छा कोई भी दिन नहीं गया मेरा, ऐसे बहुत दिन आते हैं। जब मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी। अच्छा। मेरे पापा देख नहीं सकते। अच्छा। तो हमारा सारा काम ज़्यादा यही है कि मैं बड़ी हो गई, भाई छोटा हो गया। अच्छा, घर में हाँ भाई छोटा है। जिस दिन मेरी जॉब लगी उस दिन घर पे बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारा फाइनेंशियली भी थोड़ा, हाँ, हाँ। हमारे हाथ में कुछ आ जाएगा। हाँ। तो वो चीज़, वो दिन बहुत, मतलब लोग सोचते हैं, मतलब मेरे घर वाले ना प्राउड फील करते हैं, उससे अच्छी चीज़ मुझे कुछ नहीं लगती कि मेरे घर वाले यार मुझे इतना प्यार करते हैं। लोग इतने गर्व के साथ कहते हैं ये मेरी बेटी है, मेरे पापा मेरी यूट्यूब पे वीडियोस टीवी में चला चला के देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं उनको बस देखती रह जाती हूँ, यार कोई इतना प्यार कर सकता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जो खुशी आप चाहो थी वो अब मिल गई है। हाँ ये चीज़ जिसके साथ होती है ना उसको ही पता होता है। बिल्कुल जी, सही। और आपकी सबसे फनी वीडियो जो मारते दर्शक का, तो सुनाना चाहोगे सबसे फनी कौन सी लगा, आपने खुद भी लगती हो? मैं ना प्यारी मैं असल में कुछ हो बकवास कर दूं वो बकवास भी अच्छी लगेगी कोरोना खत्म हो सके है, पर इन छोरा की ये बात खत्म ना हो यार, सेटिंग करा दे। चेहरे के जो हाव भाव है ना उसमें इतने कमेंट आ गए, थे यार सेटिंग करा दे। ये अच्छा जी, तो आप मतलब जो हरियाणवी बोलो ज्यादातर, मतलब ये हरियाणवी में हो सारी लगभग, और आप हो दिल्ली की, तो हरियाणवी छोरे छोरिया के बारे में क्या कहना आपका, किसे लगा आपने? हरियाणवी छोरे छोरे भी छोरे छोरे भी छोरे छोरे तो मेरी, अगर किसी ने पूरा जानना है कि मैं केयर सोच रखूँ छोरा ने, वह तो जाके वीडियोस देख लेंगे, पर फिर भी एक लाइन में बता दूँ, छोरे मस्त है दिल के कति कुल के एकदम। हाँ अपना मस्त मजे में रहना है, चाहे कोई कुछ करो। एक तो यारी ने बहुत माना है, वो तो चल हरियाणा के या कहीं के हो, यार दोस्तों ने बहुत ज़्यादा माना है, पर हरियाणा के कुछ ज़्यादा है। बहू ने छोड़ देंगे
मेरे जैसे भाई हरे जैसे हरियाणा के हैं रिश्तेदार तो है हमारे तो वे कह तो मम्मी नु कहो थी ये मत जाया कर तू घूमन अपनी बहू ने ले जाइए। वो नु बोला क्यों बहू ने क्यों लेके जाऊंगा मैं तो अपने यार दोस्त का खेला जाऊंगा। मम्मी नु बोली यार वाह बहू वाह बेचारे पूरी उम्र रू के करके नू कहूंगे अख छोरी ना घूमे कर ब्यागे पाछे घूमिए और वह बेचारी बहू इस उम्मीद में आओगी तू ना घुमाओगा वो तो तू नू कह ना उन्हें ना लेके जाऊं मैं तो अपनी हरियाणा वाले अपने यार ने पहला रखा कर नहीं यार दोस्तों ने और दिल्ली वाले दिल्ली दिल्ली वाले जोरू के गुलाम दिल्ली वाले जोरू के गुलाम हरियाणा वाले यारों के छोरी हरियाणा की थोड़ा तेज हो है डर लागे तो हाँ मतलब डांट दे है मतलब डांट दे है बहुत ज्यादा मैंने डांटी आपको मैं वैसे डरने लगी हुई सुन के मजाक कर रही हूँ सीरियसली यही है भी नहीं लगेगा जबरदस्ती नहीं मजाक की बात हट गए। सबसे मेन पॉइंट बताती हूँ मैं दिल्ली की लड़कियों में आलस होता है काम का पर हरियाणा की लड़कियों में नहीं होता क्योंकि उनको बचपन से ही काम सिखाया जाता है घर का भैंसों का बहुत काम। दिल्ली की लड़कियों को ये बोल असल में लड़कियां ही बहाना बना देती हम पढ़ रही हैं मम्मा नहीं करना है काम तो इससे बड़ा ड्रास्टिक मतलब चेंज या इससे बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता लड़कियों में। हरियाणा की लड़कियां कामकाजी होती हैं मेहनत करती हैं और दिल्ली की आलसी होती हैं। मैं तो बैठी हूँ जाता तो नहीं तारीफ कर रही नहीं नहीं ये बिल्कुल रियल फैक्ट है आपको भी पता होगा ये रियल फैक्ट है क्योंकि यहाँ इतना कुछ काम होता नहीं नौकर जाकर रख लेते हैं वहाँ पे हरियाणा में लेकिन सब कुछ ज्यादातर खुद ही काम करते हैं। बिल्कुल हरियाणा की बहुत छोरी है नौकर होने के बाद भी हरियाणा के खुद ही करते हैं कि हाँ। नहीं बर्तन भी हम खुद ही साफ करेंगे हम मतलब रख लेते हैं वो फिर भी ज्यादातर काम खुद ही कर रहे होते हैं वो मैंने तो देखा है। हाँ कितनी बार 10-12 बार हाँ मतलब कोई प्रोग्राम था या हाँ, प्रोग्राम में भी गई हूँ शादियों में भी गई हूँ घूमने भी गई हूँ। हाँ हाँ कैसा लगा था हरियाणा में देखो दिल्ली से तो बहुत ही अलग है दिल्ली में भीड़ भाड़ चैं चैं चीं चीं लगी रहती है छोटे छोटे घर हैं भीड़ भड़ाक है हरियाणा में बड़े बड़े घर हैं खुला है आसमान हाँ शांत है खेत वेत देखने को मिल जाते हैं। दिल्ली में तो ये सब कुछ दिखता ही नहीं है दिखता भी है तो कई गाँव की साइड। अच्छा शहर का माहौल देखा होगा गाँव में भी गई हो हाँ गई हूँ वहाँ कैसा लगे क्योंकि देखो चूल्हे पर रोटी बना कर देवे हैं गैस पे बहुत कम काम करा है मैस डांगर सब कुछ आप मानोगे नहीं दिल्ली में ही गांव है मेरे मामा जी का दरियापुर और वहाँ पे भी अभी तक चूल्हे में दोनों गैस भी उनको सब कुछ है ऐसा नहीं है हाँ पर फिर भी जो उनको बचपन से आदत डली हुई थी ना चूल्हे की रोटी खाने की वो अभी भी ऐसे ही कर लेते हैं जब मन करता है चूल्हे की रोटी आज के टाइम में तो बहुत कम चूल्हे पर बना लगे हाँ लेकिन सही है ये बनानी चाहिए क्योंकि चूल्हे की रोटी खा कर देखोगे ना और गैस की देखोगे बहुत फर्क ही होती है कितनी खा लो पता नहीं चलता। और वैसे तो मैं हूँ ही भूखड़ मैं तो बहुत ज्यादा खाती हूँ लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। कौन सी डिश पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे पाव भाजी। पाव भाजी हाँ मीठे में? मीठे में मुझे काजू की बर्फी काजू कतली और रसमलाई दो।